बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास वन स्टूडेंट्स। आई एम मिस साइमा, आई एम योर उर्दू टीचर। टेक आउट योर उर्दू बुक्स, ओपन योर पेज नंबर 1। मैं नज़म को पढ़ूंगी और आप मेरे साथ हर लफ्ज़ को दोहराइए। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने, आम और आड़ू, सेब और सर्दे, अंगूर केले, फल मीठे मीठे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। हर एक जाने हर एक माने, हवा और बादल, चांद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे, सबको बनाया मेरे खुदा ने। हर एक जाने हर एक माने, इस नज़म को लिखा गया है कयूम नज़म, जो आपको समझा रहे हैं कि इस नज़म में हर एक चीज़ को बनाने वाला किसके बारे में बताया गया है? अल्लाह ताला के, जो हमारा खुदा है, यानी हमारे प्यारे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए कितनी प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं, जैसे आम आड़ू हैं और सेब और सरते हैं। ये तमाम फलों में इतनी प्यारी सी मिठास से अल्लाह ताला ने हमारे लिए अता की है। ये सब चीज़ें बनाने वाला कौन? हमारे रब अल्लाह ताला हैं। और ये हवा और बादल, चांद तारे, सब कुछ किसकी कुदरत से बनाए? अल्लाह ही की कुदरत से बनाए। बारिश हमारे लिए बड़ी रहमत है। बागों में फूल रंग बिरंगे, जो हमारी देखने में हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब आप अपनी वर्कशीट निकालिए, मैं आपको काम समझाऊं। आपकी वर्कशीट पर नज़म मेरा खुदा का टाइटल लिखा गया है, यानी आप अपनी कॉपी में इसको बनाइए। टाइटल किस तरह बनता है? कलर पेंसिल से टाइटल मेरा खुदा लिखा जाएगा। इसके बाद आगे सफ़े पर हेडिंग डालें, इमला के अल्फाज, और हर लफ्ज़ को नंबर डालकर लिखें। इमला के अल्फाज बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये कॉलम आपके सामने बनाया हुआ है। नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ, आप दोहराइए खुदा। नंबर 2 आम। नंबर 3 आड़ू। नंबर 4 सेब। नंबर 5 फल। सफ़े पर हेडिंग डालें, अल्फाज तोड़िए और फिर कॉलम बनाएं। अल्फाज तोड़िए का इसी तरह कॉलम अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 1 पानी। कितने लफ्ज़ आ रहे हैं? 4 लफ्ज़ आ रहे हैं। पे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस छोटी है। नंबर 2 बादल। बे प्लस अलिफ प्लस दाल, बादल। लाम। नंबर 3 फूल। पे प्लस हे प्लस वाव प्लस लाम। नंबर 4 बारिश। बे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस चीन, बारिश। नंबर 5 खुदा। खे प्लस दाल प्लस अलिफ। अगले सफ़े पर हेडिंग डालें, अल्फाज जोड़िए और फिर कॉलम बनाएं। इसी तरह आप अपनी कॉपी में ये कॉलम बनाइए, अल्फाज जोड़िए। अल्फाज लफ्ज़ मिलाकर बनाए जाते हैं, जो पूरा एक अल्फाज बन जाता है। नंबर 1 चे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस दाल, क्या बन गया? चांद। नंबर 2 ते प्लस अलिफ प्लस रे प्लस बड़िए, क्या बना? तारे।
नंबर थ्री, अलिफ मद आ प्लस सीन प्लस मीम प्लस अलिफ नून साकिन, क्या बना? आसमान। नंबर फोर, अलिफ मद आ प्लस रे प्लस वाव आड़ू, क्या बना? आड़ू। नंबर फाइव, पे प्लस हे प्लस दाम, क्या बन गया? फल। यकीनन आपको मेरा समझाया हुआ सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बिल्कुल इसी तरह कॉपी में अपना काम सफाई के साथ करते जाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।